ये जान सुनिए, माइलेज और ड्राइव और परफॉर्मेंस कैसी है एस्प्रेसो। एस्प्रेसो में 1.0 लीटर पेट्रोल K10B इंजन मिलता है और इंजन BS6 कंप्लायंट के साथ आ रहा है। 1000 सीसी का इंजन कार को 68 पीएस की पावर और 90 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की हाल ही में सबसे चर्चित कार एस्प्रेसो को लॉन्च किया है। इस कार का लुक किसी एसयूवी जैसा नजर आता है। ये अपने डिजाइन और माइलेज को लेकर काफी लोकप्रिय भी हो रही है। पहली बार कार खरीदने वालों में बहुत से लोगों को इस हैचबैक कार पर नजर है। लोग इस गाड़ी के फीचर्स, माइलेज, इंटीरियर और ड्राइव क्वालिटी जैसी सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं। इसी चलते हम आपको आज एस्प्रेसो का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू लेकर आए हैं डिजाइन के बारे में। ये कार मारुति सुजुकी ने 5th जनरेशन हैटरैक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस कार को मारुति की छोटी एसयूवी जैसा डिजाइन किया है। इसके फ्रंट और रियर में ड्यूल सिंपलेट बम्पर्स मिलते हैं। कार के साइड्स स्क्वायर शेप के हैं और इसका एक 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसे एसयूवी वाले लगभग एलिमेंट्स देता है। कार का डिजाइन भले किसी एसयूवी जैसा हो लेकिन साइज के मामले में काफ़ी छोटी है। इसे आप ब्रेजा का मिनी वर्जन भी कह सकते हैं। इंटीरियर एस्प्रेसो का इंटीरियर दूसरी कारों से हटकर बनाया है। ये कार के अंदर बैठने से अच्छा हेडरूम और लेगरूम मिलता है। साथ ही इसका बूट स्पेस भी बड़ा अच्छा है। इसका डिजिटल मीटर स्टीयरिंग के सामने होने के बजाय डैशबोर्ड के बीच में दिया गया है। एसी वेंट्स राउंड शेप दिए गए। स्टीयरिंग पर माउंटेड ऑडियो और वॉइस कंट्रोल्स दिए गए। साथ ही इसका यूजर इंटरफेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड स्मार्ट प्ले स्टूडियो एप्स को भी सपोर्ट करता है। इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में, एस्प्रेसो में 1.0 लीटर पेट्रोल K10 में इंजन मिलता है और ये इंजन BS6 कंप्लायंट के साथ आ रहा है। 1000 सीसी का इंजन कार को 68 पीएस की पावर और 90 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। एस्प्रेसो आपको दोनों ही गियर बॉक्स मैनुअल और ऑटो गियर शिफ्ट में मिल जाएगी। कार का गियर बॉक्स काफ़ी लाइट और शिफ्ट करने पर भी स्मूथ है। ड्राइव और माइलेज, एस्प्रेसो के ड्राइव के मामले में अच्छी है लेकिन हर एक इंजन के जैसे थोड़ी आवाज़ करती है, वो भी खास तौर पर हार्ड ड्राइव करने के दौरान कार करती है। कार का स्टेयरिंग लाइट है। उसका स्टेयरिंग का टर्निंग रेडियस भी सिर्फ 4.5 मीटर ही है। सिटी ड्राइविंग में कार आपको कम थकाएगी। कार के माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि 21.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे दी, जो काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने इसे 3.69 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्रीमियम पर लॉन्च किया, जबकि रेनो ने क्विड की बेसलिस्ट मॉडल 2.93 लाख में लॉन्च किया। हालांकि एस्प्रेसो कितनी सक्सेसफुल होगी ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा।